सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेई मेंस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे है ना, वो सारी बातें अभी इसी टाइम हम करने वाले हैं। देखिएगा भाई, हिंट बताता हूँ पहले तो, है ना, हिंट देखिएगा। स्टार्ट हमेशा बड़े एंगल कीजिएगा, इसमें चीज़ें क्या है वो चीज़ें नोट कीजिएगा। यहाँ 8 थीटा है, यहाँ 6 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है। स्टार्टिंग में हमें बड़ा एंगल देखना है, बड़ा, और बड़े एंगल को दो छोटे एंगल में ब्रेक करो। छोटे एंगल आपके ये हैं, तोड़ो किसको, बड़े एंगल को। ये हमारा तरीका हुआ, ये हमारा मेथड, किस तरीके से हम करें। तो सर ये बताओ ना आप, मैं बोलता हूँ तो 10 8 थीटा को ले और उसको ब्रेक कर, 10 6 थीटा + 2 थीटा में। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा चीज को। हमने पहले, हमारा काम है सबसे बड़ा एंगल देखना। सर ऐसा कब देखेंगे, जब इनका डिफरेंस टाइप इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, जब इनका डिफरेंस इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, तब आपको ऐसा देखना है कि पहले आपको देखना है सबसे बड़ा एंगल क्या है, उसके बाद छोटे वाले एंगल में इसको तोड़ो। तोड़ने का मतलब सर 8 थीटा था, उसको 6 थीटा + 2 थीटा किया तो हमारे कोई दुख दर्द नहीं हुआ है ना। और फिर सर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10a + b का, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला है, 10 6 थीटा + 10 2 थीटा upon 1 - 10 6 थीटा dot 10 2 थीटा। खेल हमने खेल लिया है, बाकी काम अब हम देखेंगे। यहाँ से नीचे वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 10 8 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ आ गया 1 - 10 6 थीटा dot 10 2 थीटा, और इक्वेशन में आपके बचे हैं 10 6 थीटा + 10 2 थीटा। हाँ जी, बातें हमने सारी कर ली है, काम हमारा हो गया है। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई, मल्टीप्लाई करते ही क्या बनेगा, 10 8 थीटा - 10 6 थीटा dot 10 6 थीटा = 10 6 थीटा + 10 2 थीटा। हाँ जी, ट्रांसफर करने की ही ज़रूरी है, अब तो इसको इधर ले आओ और इस वाली टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ बनेगा 10 8 थीटा - 10 6 थीटा - 10 2 थीटा = 10 8 थीटा dot 10 6 थीटा dot 10 2 थीटा। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। अगर किसी का डिफरेंस किसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो तो हमें डिफरेंस वाली साइड आना है, और डिफरेंस वाली साइड आने के बाद हमें सबसे बड़ा एंगल देखना है भाई। सबसे बड़ा एंगल देखने के तुरंत बाद हमें उस बड़े एंगल को छोटे वाले एंगल में तोड़ना है, ब्रेक करना है। तोड़ दिया तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10a + b का या 10a - b का, जो तोड़ा है।
और फॉर्मूला तोड़ते ही हमें एक बात नज़र आ जाएगी, है ना, फॉर्मूला तोड़ते ही हमें एक बात नज़र आ जाएगी कि जो नीचे वाला है उसको टक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिएगा, भेजते ही हमारा काम हो जाएगा, और फिर उसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। हमने जो प्रूफ के बारे में बात की, इस क्वेश्चन की प्रूफ के बारे में बात हो चुकी है हमारी, तो